हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज लेके चलते हैं आपको हम नए जगह पे। ये है हाथी घड़ा टेम्पल, जो कि झारखंड रांची में है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ जो हाथी हैं वो उनकी पूजा की जाती है। और इसके पीछे कहानी ये है कि पहले इस ये एक गांव हुआ करता था, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, बट डेवलप हो चुका है पहले से। तो यहाँ पहले जो गांव के लोग थे, उन लोगों को हाथी जो है वो आके बहुत परेशान करता था, लोगों को मार देता था। तो कुछ साधुओं ने बताया कि यहाँ हाथी की पूजा करना शुरू करो तो ऐसा नहीं होगा, और रियली वैसा ही हुआ गाइस। यहाँ के गांव के लोगों ने हाथी का मूर्ति बनाकर उनका पूजा करना शुरू किया, और उसके बाद से ये जो उन लोग का तांडव था हाथियों का, वो बंद हो गया। फसल बर्बाद करना, लोगों को हानि पहुँचाना, सब कुछ बंद हो गया। तब से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, और फिर यहाँ पे इन लोगों ने मंदिर का निर्माण करवा दिया। और ऐसा मान्यता है कि यहाँ जो लोग आते हैं और जो भी मन्नत मांगते हैं वो उनकी पूरी होती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ काफ़ी मात्रा में इसलिए भीड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे लोग आते हैं और सब लोग प्रसाद में यहाँ भीड़ चढ़ाया जाता है गाइस। और वहाँ भीड़ भी आपको इजीली मिल जाएगा, तो भीड़ आप खरीदिए और उसका वहाँ जा करके जो आपका मन्नत पूरा हो जाता है तो आप उसको चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भीड़ ही सिर्फ है, आप एक्स्ट्रा भी प्रसाद में नारियल या जो भी है चढ़ा सकते हो। और हाँ, मन्नत के लिए आपको एक जितना मन्नत मांगोगे उतना नारियल आपको वहीं पे एक पेड़ मिलेगा, वहाँ आपको बांधना होता है। तो हम लोग आगे चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि पेड़ कहाँ है, बांधना कहाँ है। पहले तो आप देख लो, यहाँ लाइन आप देख सकते हो कितना लंबा लाइन है, जिससे कि हम लोग क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। और आज लाइन में लगकर पूजा करने वाले नहीं हम लोग, बहुत लंबा लाइन है, बहुत ज़्यादा, तो हिम्मत नहीं है। अभी खड़ा होंगी तो शाम हो जाएगा, और बाकियों जगह भी मुझे जाना है। तो मैं इन हाथी खेड़ा महाराज को यहीं से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ सत सत, और जहाँ से हो सके दूसरी जगह से मैं उनको दर्शन करने का कोशिश करूँगी। आप देख सकते हो यहाँ आपको बहुत सारे पेड़ में नारियल बंधे हुए दिख रहे होंगे। आप जहाँ देखोगे यत्र तत्र सर्वत्र आपको सिर्फ और सिर्फ नारियल ही दिखाई देगा बंधा हुआ लाल कपड़े में। तो हम लोगों ने भी आगे ये बांधा है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आगे चलकर। तो पहले आप चलिए देखते हैं, घूमते हैं और कोशिश करते हैं यहाँ से मतलब प्रसाद लाने का। तो लेट्स गो फॉर प्रसाद। आगे वहाँ जो काउंटर है वहाँ नारियल और प्रसाद मिलते हैं, जिसमें कि आपको जितना मन्नत आपको मांगना है उतना आप नारियल लेके आइए। और यहाँ मुंडन वगैरह भी होता है, बहुत सारे लोग ये मांगते हैं कि मुझे बच्चे नहीं हैं तो मुझे बच्चे हो जाएं तो मैं मुंडन कराऊंगी इस तरह से करके। तो उस तरह से जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो उनका मुंडन भी करवाने आते हैं। और ये मेरा छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, जो कि मेरा फ़ैन है और मेरा वीडियो रेगुलर देखता है, वो वही बता रहा है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, बात कर रही हूँ। और ये बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत क्यूट है, और ये भी बोल रहा है मैं ये वाला भी ब्लॉग देखूँगा मौसी। सो सी ही सो 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 क्यूट, लव यू बच्चा। और आगे आप देख सकते हो और भी मंदिर जो है वो बन रहा है, इनका प्रोग्रेस है, मतलब प्रोसेस में है, ये बन रहा है। और लेडीज़ लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में है यहाँ, मेनली लोग सरकारी नौकरी का मन्नत मांगने ज़्यादा आते हैं, जिन लोगों का लगातार ट्राई कर रहे हैं बट किसी कारण बस से छूट छूट जा रहा है, तो वैसे लोग यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं तो उन्हें जॉब लग जाती है, ऐसा लोगों का कहना है। मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया है गाइस, बट जहाँ तक मैंने इन लोगों से यहाँ बात किया तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ का बहुत मन्नत है और जो मांगो वो मिल जाता है। तो अगर पॉसिबल हो, आपकी भी वैसी कोई मुराद हो तो आप जाकर के मिल सकते हैं और दर्शन करके अपना मन्नत का एक नारियल बांधकर आ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ का ये आंगन है, और यहाँ से आप ये जो ऊपर देख रहे हो रूप, इसी के ऊपर सीढ़ी से जाकर के हाथी खेड़ा महाराज का दर्शन किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, पंडित की पूजा करवाते हैं। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं कहीं से जो दर्शन हो जाए इजीली, क्योंकि लाइन तो इतना लंबा है कि बहुत मुश्किल है आज लाइन में खड़े होकर दर्शन कर पाना।
तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ भी नारियल एवरीवेयर, नारियल नारियल, मतलब आप समझ सकते हो कि कितने लोग यहाँ आते हैं मन्नत मांगने के लिए। और जब आपका मन्नत पूरा हो जाए तो आपको आकर एक नारियल को खोलना होता है गाइस। देख रहे हो कितना लोग मन्नत मांग रहे हैं। जब आपका कोई भी नारियल खोलना, ऐसा नहीं है कि आपने जो बांधा था जहाँ बांधा था वही खोलना है, कोई सा भी आप एक नारियल खोल सकते हो। तो यहाँ से आपको जो ये सीढ़ी दिख रहा है, बस इसी सीढ़ी के ऊपर जो है वो हाथीखेड़ा महाराज जी हैं, जिनकी की पूजा की जाती है और जो इतने ज़्यादा प्रभावशाली हैं कि उनके प्रभाव से जो भी मन्नत मांगो वो पूरी होती है। तो ये सब सुनकर मतलब ऐसा लगता है गाइस कि रियली भगवान हैं कहीं ना कहीं, तो भगवान हैं जो कि हम लोगों का सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हमारी मन्नत भी पूरी कर रहे हैं। तो ये देखो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ न्यू जो ये सीढ़ी और रूफ बन रहा है वहाँ से जाकर के हम लोग थोड़ा दर्शन करेंगे और देखेंगे हाथीखेड़ा महाराज को। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को भी आज इसमें दिखाने का कोशिश करूँ प्रभु को, क्योंकि वहाँ पास में जाकर आपको बिल्कुल भी वीडियो रिकॉर्डिंग और फ़ोटो नहीं लेने दिया जाता है। तो मैं दूर से ही क्लोजअप करके उनका फ़ोटो और वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप देखो यहाँ से भी बहुत सारे लोग जो नहीं जा पाए हैं लाइन में लगे लगे, उन्होंने यहाँ प्लास्टिक को बांध दिया है मन्नत वाला। ये सीढ़ी से बहन मेरी जा रही है और हम लोग भी अब धीरे धीरे जा रहे हैं, जाकर के ऊपर से देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये आप देख सकते हो मैं ऊपर आ चुकी हूँ और यहाँ लाइन आप देख सकते हो, पूजा करने वालों की लाइन लगी हुई है और यहाँ से लोग पूजा करके निकलते हैं। लाइन बहुत लंबी है, हर तरफ लाइन ही लाइन है और कैंपस बहुत बड़ा कैंपस है। तो हम लोगों ने यहाँ प्रणाम करके महाराज को दिल से मन्नत मांग कर मैंने यहीं पे नारियल बांध दिया है। ये आपको दिख रहे होंगे रेड रेड कलर से, यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं ना वो छोटे छोटे मूर्ति हाथी जैसे, बस वही हैं हाथीखेड़ा महाराज, उन्हीं की पूजा की जाती है जो कि इतना ज़्यादा इफेक्टिव है और सबको सबकी मन्नतें पूरा करती हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस, और हो सके तो आप वहाँ ज़रूर जाइए एक बार विज़िट करने के लिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई चीज़ों के साथ। थैंक यू।